नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को डिस्कस करेंगे। ये गवर्नमेंट स्कीम है और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये स्कीम हमारे किसानों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्कीम किस तरह से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी बडीज को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। आइए स्कीम स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सभी किसानों को जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करना चाहती है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कल्टिवेबल, मतलब 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर के 2 हेक्टेयर तक कल्टिवेबल जो लैंड है वो होता है और उनके पास किसी भी तरह की सेविंग्स या पैसा नहीं होता क्योंकि उतना पैसा उनको बस बच ही नहीं पाता जिससे कि वो अपनी ओल्ड एज पेंशन का, मतलब किसी भी तरह का इंतज़ाम कर सके। और अगर अगर फैमिली में किसी की भी डेथ हो जाती है तो उनको इनकम सपोर्ट कैसे मिलेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चलाई है जो कि एक पेंशन स्कीम है। ये ध्यान रखना, ये एक पेंशन स्कीम है। गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है। तो ये स्कीम कौन सी है, ये क्या स्टेट इनके इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट तो करेंगे, क्या उनको फंड भी देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो होती हैं जहां पर हमारी सरकार, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो 100% फंडिंग करती है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में अगर डिफरेंस नहीं पता तो हमारी एक वीडियो है इसीलिए इसी के बारे में, इसी टॉपिक पर आप प्लीज जरूर देखिएगा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग करेगी। इसका बजटरी प्रोविजन जो है 900 करोड़ रुपीज़ है 2019-20 जो हमारा बजट था लास्ट उसके अकॉर्डिंग, और इसमें स्टेट वाइज कोई एलोकेशन नहीं किया गया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके बारे में हम बात करी थी अभी, और एक ये पेंशन स्कीम है। ये सिर्फ उन्हीं किसानों के लिए है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम या 2 हेक्टेयर तक कल्टीवेबल लैंड है। और ये रिकॉर्ड हमें कैसे पता चलेगा, जो हमारे स्टेट और यूटीज हैं वहाँ उनके लैंड रिकॉर्ड से। आप एक बार ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ना तो मर्ज कीजिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान जो स्कीम है वो एक किसान को 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड करती है, 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और ये सिर्फ उन फार्मर्स के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम, मतलब पीएम किसान भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कल्टीवेबल लैंड है। इस स्कीम के अंतर्गत जो अभी हम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात कर रहे हैं, इसमें जो है 3,000 रुपये किसान को फिक्स पेंशन मिलेगी, और ये उन्हीं को मिलेगी जो एलिजिबल है 60 साल के बाद। आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि इस यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर 2 स्कीम्स को मर्ज किया जा सकता है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को। इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक पेंशन स्कीम है और वो मतलब किसानों को एक मतलब जो वल्नरेबल किसान है जिनके पास जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स उनको हेल्प करने के लिए 6,000 रुपये 1 साल के। और ये एक जो अभी जो स्कीम की बात करें, एक वॉलंटरी स्कीम और कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। जितना हम जो किसान पे करेंगे उतना ही सरकार भी पे करेगी। ये 18 से 40 साल तक पे करना है। जो बेनिफिशियरी होंगे उनको एक रिक्वायर्ड होगा कि वो मंथली कंट्रीब्यूशन करे 55 रुपये से 200 रुपये तक में, और एक ये पेंशन मतलब पेंशन फंड में ये सारा कुछ पेमेंट होगी, और ये डिपेंड करेगा उनकी एज कितनी है जब ये स्कीम में एंट्री कर रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट करेगी इक्वली, जितना कि बेनिफिशियरी जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये जो पेंशन फंड है वो मैनेज किया जाएगा LIC के थ्रू। और जो फार्मर्स हैं वो उनको अलाउ किया गया है कि जो पीएम किसान के थ्रू उनको पैसा मिल रहा है, अगर वो पीएम किसान स्कीम में इनरोल्ड है उनको जो पैसा मिल रहा है वो वहाँ से भी डायरेक्टली जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सरकार खुद ही वहाँ पर पैसा काट करके किसानों के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। जो बेनिफिशियरी है वो एग्जिट भी हो सकते हैं इस स्कीम से वॉलंट्री, या तो वो वॉलंट्री एग्जिट होंगे या फेलियर हो जाए अगर वो कंट्रीब्यूशन ना कर पाए या उनकी डेथ हो जाए, ये 3 उसमें हो सकते हैं। जो बेनिफिशियरीज हैं वो इस स्कीम से आउट भी हो सकते हैं 5 साल के बाद, और अगर वो जब वो एग्जिट होते हैं तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो LIC रिटर्न कर देगी, जो उस समय जो सेविंग रेट चल रहे हैं, या जो पेंशन फंड जो सरकार के जो चल रहे हैं मतलब उनकी अगर रेट ज़्यादा होती है, या बैंक रेट जो उस समय है उनकी रेट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं, तो जो भी ज़्यादा होगा किसान को वो दिया जाएगा
जब वो स्कीम से ऑप्ट आउट करता है 5 साल के बाद। जो स्पाउस है क्या वो एलिजिबल है स्कीम के लिए? हाँ एलिजिबल है, अगर वो अपना सेपरेट कंट्रीब्यूशन देती रहेगी तो वो भी एलिजिबल है, उसको भी 3,000 रुपये मिलेंगे। अगर डेथ हो जाती है जो सब्सक्राइबर है तो क्या होगा? तो स्पाउस के पास एक ये ऑप्शन होगा कि वो कंट्रीब्यूट कर दे, जो मतलब जैसे उनके जो सब्सक्राइबर हैं जो फार्मर है अगर वो जैसे पे करा था वैसे ही स्पाउस पे करते रहे तो उनको बाद में वो मतलब इस स्कीम को वो कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर स्पाउस चाहे ना कि अगर फार्मर की डेथ हो गई तो उसकी अगर जो वाइफ है अगर वो नहीं चाहती कि वो किसी भी तरह से स्कीम को कंट्रीब्यूट करे तो जो भी पैसा है उनको इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। अगर कोई स्पाउस नहीं होगी और तो जो जो सारा पैसा जो टोटल इकट्ठा हुआ है वो इंटरेस्ट के साथ नॉमिनी को दे दिया जाएगा जो नॉमिनी उन्होंने मतलब रखा है। और जो फार्मर्स अगर फार्मर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद तो जो फैमिली है उसको 50% जो है पेंशन स्कीम का मिलेगा। जैसे पेंशन जो स्कीम है वो 3,000 रुपये बात करती है 60 साल के बाद देने की। अगर फार्मर की डेथ हो जाती है 60 साल के बाद तो इसका 50% मतलब 1,500 रुपये किसान की फैमिली को एज ए फैमिली पेंशन मिलेगा। जब डेथ हो जाती है दोनों की किसान और जो उनकी स्पाउस है उनकी तो जितना भी पैसा है वो पेंशन फंड में चला जाएगा जिसको मैनेज कर रहा है LIC। एक्सेप्शंस भी हैं जो कि इन स्कीम्स में जो है वो कवर नहीं हो रहे हैं। जो भी किसान जो बाकी जो अदर स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर है उस वो उनको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। वो स्कीम्स हम आगे देखेंगे कौन कौन सी है इसी की अगली स्लाइड में। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर जो किसान है वो PM किसान के साथ साथ इस स्कीम को भी ले सकता है। इसके इस स्कीम का ये एक एम है कि वो करोड़ मतलब जो 3 करोड़ जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन सबको कवर कर ले और इनिशियल इनरोलमेंट जो है इस स्कीम की वो की जाएगी कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू। ठीक है, एंट्री एज और मंथली कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा वो देख लेते हैं। 18 साल के अगर कोई पर्सन है 60 साल का सुपर एन्यूएशन जो एज होगी वो होगी मतलब 60 साल के बाद ही स्कीम का फायदा मिल सकता है। अगर वो 55 रुपये पे करता है तो 55 रुपये सरकार करेगी। अगर 20 साल का कोई पर्सन है अगर वो 61 रुपये मतलब 61 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे तो सरकार भी 61 रुपये करेगी। इसी तरह से जैसे ही एज बढ़ती रहेगी वो अमाउंट बढ़ता रहेगा और 40 साल की एज में उस पर्सन को 40 साल से लेकर 60 साल तक की जो मतलब क्योंकि उसको 60 साल तक पे करने हैं तो 40 साल की एज में अगर कोई भी ऑप्ट करता है तो उसको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे और सरकार भी 200 रुपये पे करेगी। आगे देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है स्कीम के लिए। कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी है। स्मॉल मार्जिनल फार्मर जो कवर होते हैं किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर वो स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम है, एम्प्लॉइज फंड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम है, जो भी इनमें इनरोल है वो इसका फायदा नहीं उठा सकते। जो फार्मर्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को ऑप्ट कर रखा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू चलाई जा रही है वो भी इसका फायदा नहीं उठा सकते। हम ये देख रहे हैं कि जो फार्मर जिन्होंने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना को ऑप्ट कर रखा है वो भी इसका फायदा नहीं उठा सकते। और इसके अलावा जो भी जिनका भी हायर इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी इनका फायदा नहीं उठा सकते। और जो पहले फॉर्मर या अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर हैं वो इसका फायदा नहीं उठा सकते। आज जो हमारे MP MLAs हैं वो भी इसका फायदा नहीं उठा सकते, ना कि जो पहले MP MLAs रहे हैं वो भी। और कोई भी जो आज इनकम टैक्स पे कर रहा है वो भी इसका फायदा नहीं उठा सकता। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर जो अच्छे पद पर है वो भी इसका फायदा नहीं उठा सकता। आई होप आपको ये स्कीम पसंद आई हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।